वो लाइसेंस फ्राह्म करती है एज ए आथराइज रिप्रेजेंटेटिव जब आप कनेडियन सिटीजन होते हैं आपने कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ में तालीम ली होती है और आप उनके मैार पे पूरा उतरते हैं अब पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि सोशल uh, मीडिया और uh, कुछ लोग जो लाइसेंस ऑथराइज कंसल्टेंट्स के पास काम करने के बाद थोड़ी सी ट्रेनिंग uh, no uh, तो ले लेते ले हैं तो वो अपना शटर उन्होंने भी खोल लेना होता है, right. hmm. uh, ये भी हैं, प्लस कुछ लोग हमारे साथ हमने काफी अपने पर्सनल हल्के में भी गौर किया कुछ लोग जो हमारे पास काम किया करते थे आज उनकी अपनी अपनी कंसल्टेंसीज हैं और वो किस बुनियाद पे बिल्कुल टोटली द दिन लॉ इनबल ऑफेंस लेकिन पाकिस्तान में इसकी कोई पकड़ नहीं है yes. और पकड़ नहीं है तो उसका नुकसान किसको है कंज्यूमर को है कंज्यूमर ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टिंग तो आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक हों हो सकता है कि आप बहुत इल्म भी रखते हो इमिग्रेशन का बट यू आर स्टिल राइट यू नॉट Uh, people and charge money. जो हम पहले भरते हैं yes. इस बात का यकीन कर लेते हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो ही हम आगे बढ़ते हैं उन्होंने फॉर्म के नीचे हम एक रिमार्क्स का भी कदम रखते हैं उसमें रिमार्क्स लिखा आई वन गो टू कैनेडा बाई हुआ तो भाई इस तरह नहीं होगा आप यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एंड यू हैव टू स्पीक टू सम नॉलेजेबल या यू डू योर ओन रिसर्च यू डोंट नीड ए कंसल्टेंट टू रिप्रेजेंट यू बट इफ यू फाइंड द नीड भाई ठीक है प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए और सही डायरेक्शन में चाहिए उसमें सिदाकत होनी चाहिए ऑनेस्टी mm -hmm. होनी चाहिए mm -hmm. और क्वालिफाइड लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हूँ hmm. इस टॉल क्लेम्स को छोड़ दें hmm. कि दस साल का मेरा तजर्बा है पंद्रह साल का तजर्बा है इमिग्रेशन का तो यू आर अ नॉन कैनेडियन अनलाइसेंस लोकल एजेंट यू कैन नॉट असिस्ट बाय द कैनेडियन लॉ ठीक है अब पाकिस्तानी लॉ में अमेंडमेंट जब आ जाए hmm. तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इनका कुछ करें hmm. तो लोगों को हजारों डॉलर उनके बचें hmm. और उनकी जमा पूंजी बच जाए लेकिन एक इस पर शायद काम करने की जरूरत है अभी बिल्कुल